हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं GS यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम फिर हाजिर हुए हैं अपने वीडियो के साथ, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन NTPC का करा रहे थे। तो चलिए, मैंने 20 तक करा दिया था क्वेश्चन, अब 21 से चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, देखिए। कह रहा है, यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। दोस्तों अमाउंट पूछा है, ठीक है, अमाउंट पूछा हुआ है। तो आप अमाउंट के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, a = p 1+r/100, ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे a = p 1+r/100 n, इस पे लगा के भी पुट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और ट्रिक है जो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये सिंपल सा है, एकदम साधारण है, ठीक है। जैसे मूलधन दिया था 1,25,000, ठीक है दोस्तों, मूलधन का तुलना मूलधन से। अब ठहरना है आपको कि 8% की दर से 2 वर्ष के अंत में, तो रेट दोस्तों दिया है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, रेट दिया है 8%, है ना, और टाइम दिया है कितना, 2 वर्ष। और दोस्तों आपको पता है कि आर 8% है, टाइम 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI का फॉर्मूला होता है 2R+R² / 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, जब भी हम CI निकालेंगे तो एक बार में 2 ही डिजिट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। फिर आगे क्या करना है, 8 × 2 = 16, और देख लीजिए दोस्तों, 1, 2 यहाँ पर चिपका दीजिए। तो दोस्तों ये 2 वर्ष का CI निकला, और आपको पता होना चाहिए कि ये दिया है आपका मूलधन, मूलधन का तुलना मैंने मूलधन से किया, लेकिन कितनी होगी अमाउंट पूछा है आपसे। तो अमाउंट पूछा है दोस्तों, तो अगर मैं CI को मूलधन में जोड़ दूं तो अमाउंट नहीं हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें मूलधन अभी हमेशा जो है हम 100 मान के आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने P मान लिया 100, और CI मान के चलिए कि यहाँ पर मेरा आ गया है 16.64। तो अमाउंट पूछा है दोस्तों, तो अमाउंट, तो अगर 100 में ये चीज़ को जोड़ देंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, 116.64, ठीक है दोस्तों। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा 1,45,800 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आइए क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 22 नंबर। जिस दिन तेरे में लक्ष्य पाने का नशा छा जाएगा, उस दिन तेरी शुरुआत जैसे भी हो, आखिर तेरे निशाना तीर के नोक पे होगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। देखिए कह रहा है PQR, जहाँ PQ = 6 सेंटीमीटर, ठीक ना, कितना दिया है, PQ दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, PQ दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना, QR दिया है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो है कह रहा है PQ जो है 90 डिग्री है, क्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि लंब के सामने का जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना, हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, PR पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बोले तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, है ना। तो इधर कर देंगे PR² = 36 + 64, है ना, 64। तो PR² = 100, इसलिए PR ये उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों 100, इसलिए PR = 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन 22 नंबर आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, बने रहिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 50 व्यक्तियों कार्यालय में 8 लोग अपने दाएँ हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएँ हाथ से लिखते हैं, और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, यानी कि राइट लेफ्ट दोनों, ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। तो चलिए देखिए, टोटल व्यक्ति जो है 50 है, जिसमें से 18 लोग जो है अपने राइट हाथ से लिखते हैं, यानी राइट, यानी कि यहाँ पर R से हम इसको करें, ये 18 लोग जो है राइट हाथ से लिखते हैं, और 26 लोग जो है ये अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग यानी कि लेफ्ट, और 2 ऐसे हैं दोनों हाथों से लिख सकते हैं, 2 ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2, यानी ये बौद्ध के लिए किया मैंने, बौद्ध, ठीक है। अब आप बताइए ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया कितना का है,
18 का है, पूरा एरिया 18 का है। तो दोस्तों जब पूरा एरिया 18 का है और इतना वाला एरिया जो है आपका 2 है, ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, 16। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 16। अब ये पूरा एरिया जो है 26 का है, पूरा एरिया यानी यहाँ से लेकर के पूरा ये एरिया जो देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया ये 26 है, पूरा एरिया 26 है, जिसमें दोस्तों इसमें 2 पहले से है, तो ये पूरा इधर वाला एरिया कितना हो जाएगा, 24 यानी 24 हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिखा 24। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं, तो दोस्तों जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 कितना होगा 26, 26 और 6 32, 10 कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 24 2 26, 26 6 32, 10 42। तो दोस्तों करना क्या है, टोटल कितना था, टोटल था आपका 50, ठीक है, और टोटल था आपका 50, और इसमें ऐसे व्यक्ति है जो कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो कह रहे कितने लिख नहीं सकते हैं, यानी कुछ तो कुछ इसमें लिख रहे हैं, यानी टोटल यहाँ पर आपका लिख रहे हैं 42, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 50 में से टोटल ये जो 42 घटा देंगे तो जो बचेगा वही कुछ नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, ये सब लिखने वाले हैं। आप जो देख रहे हैं ये वाला 16 2 24, अगर मैंने इसको जोड़ा तो ये कुछ ना तो कुछ तो लिखते हैं, तो टोटल था संख्या 50 और 50 में कुछ ना कुछ लिखने वाले को घटा देंगे तो जो बचेगा वह कुछ नहीं लिखने वाले बच जाएंगे, जो नहीं लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, 8। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए आपका जो 24 है, 24 क्वेश्चन आइए देखते हैं और क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। मालूम करें कितने छात्र दूध और चाय पीते हैं, यानी कि कितने छात्र जो दोनों पीते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना होगा कि टोटल जो 24 है ये आपका मिल्क पीने वाला है दूध, और इसमें से 28 छात्र ऐसे हैं जो कि चाय पीता है, ठीक ना, यानी ये कुछ ना कुछ पीता है, ठीक है, और अगर और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, तो यानी पीने वाला और नहीं पीने वाला को जोड़ के ये 54 छात्रों को घटा देंगे जो केवल पीने वाला ही था, तो जो शेष बचेगा जिसमें दूध और चाय दोनों निकल जाएगा, जो शेष बचेगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि टोटल 24 चाय जो आपका दूध पीने वाले थे छात्र और 28 चाय पीने वाले छात्र थे, ठीक है, दोनों पीने वाले थे, और उसमें से कुछ इतना मैंने 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते थे ना, ये क्या बोलते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, न दूध पीते हैं और न चाय पीते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये टोटल जोड़ करके और ये 54 को अगर मैं घटा दूँ तो दोनों छात्र पीने वाला की संख्या निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर 24 28 प्लस 8 जोड़ के मैं अगर घटा दूँ कितना, 54 जो आएगा ये दोनों पीने वाला की संख्या आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 24 मिल्क पीते थे और 28 जो है चाय पीते थे, तो ये दोनों को जोड़कर दोनों ही पीने वाला हो गया ना, मिल्क और टी, और 8 जो है कुछ नहीं पीते हैं, तो टोटल जोड़ के और ये जो टोटल संख्या था उसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, दोनों चीज़ पीते हैं। तो फाइनली दोस्तों 8 8 16 4 20, ठीक है, तो 20 के 0 हो जाएगा हासिल, 2 2 2 4 2 6 60, 60 में से 54 दो सर घटा देंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये टोटल जोड़ करके ये इसका ये दोनों को और ये वाला जोड़ के और जो टोटल था उसको ले मतलब घटा देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, यानी 25 देखा जाए। करें एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। दोस्तों पहले टोटल दूरी निकालिए, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो टोटल दूरी यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल पूछा है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में समय, ठीक है दोस्तों, दूरी बटे में समय। तो दूरी यहाँ पर 8 किलोमीटर और यहाँ पर देखिए 4 किलोमीटर, तो टोटल दूरी जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, और समय
और समय बराबर होता है चाल, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, और समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बटे में चाल, 8/15 प्लस 4/20, ये आपका टोटल समय हुआ। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय, 8/15 प्लस 4/20। दोस्तों इसको क्या करना है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, 15 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। तो 60 बनाने के इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से, और 60 बनाने के इसमें 4 से, तो इसमें भी 4 से, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32/20 प्लस चढ़ते हैं 12/ कितना हो जाएगा, सॉरी 20 नहीं होगा दोस्तों, 60 होगा ना, 15 से होगा 60 ना, और ये हो जाएगा 12 20, तो यही कितना हो जाएगा 60। अब दोस्तों क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए, 32 2 कितना होगा 34, और 10 कितना होगा 44, यानी 12/ यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों 12/44, और ये 60 ऊपर चल जाएगा दोस्तों। तो 15 चौका 60, 11 चौका 44, 12 में 15 से गुना करा देंगे दोस्तों, तो 180 हो जाएगा, और 180 में 11 से हम भागा देंगे, दे लिया जाए, ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 0, 11 छक्का 66, 4, 0 नहीं जाएगा पॉइंट, 11 3 33, 7 हो जाएगा दोस्तों, फिर 0, फिर 11 छक्का 66, ठीक है। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, पोशाक का क्रयमूल्य कितना होगा। दोस्तों एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई इसमें टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। टोटल दिया, देखिए निश्चित राशि दिया 1440, बेचता है बोले तो क्या सेल प्राइस, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कह रहे हैं 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ पर दोस्तों कितना होगा विक्रयमूल्य 120, तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से है ना, पूछा है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य के लिए इसमें कितना से गुणा, 100 से, 100 से 100 ये 12 बार में कटेगा दोस्तों, 144, 12 में 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 1200 रुपया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, 27 नंबर क्वेश्चन का, यदि 3x+0.04x=0.608 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करा जाए, सॉल्व करेंगे जो हो जाएगा 3x+0.04x=0.608। दोस्तों इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3.04x = 6, यहाँ पर हो जाएगा 0.608, दशमलव हटाएंगे दोस्तों, इसका 2 शून्य आ जाएगा नीचे, इसका आ जाएगा कितना दोस्तों 3 शून्य, क्यों, क्योंकि यहाँ हटाएगा 3 शून्य आएगा, 100 से 100 100 से 100 है ना, ये कट जाएगा 304 × 608, 2/10 दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 2/10, 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.2 नहीं लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए मेरे साथ। तो वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, 28 क्वेश्चन का कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए, आपसे कह रहा है कि लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई की दुगनी है, यहाँ पर हो गया दोस्तों। परिमाप दिया है कितना 24, और हम लोग के अनुसार परिमाप होता है दोस्तों 2 × लंबाई, लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 1, ठीक है, परिमाप का तुलना परिमाप से दोस्तों आपसे पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 × 1, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 2 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 3 × 3 = 6, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये मीटर स्क्वायर के रूप में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा 24, और ये हो जाएगा 2 + 1 3 × 6, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा गुणे 2, तो ये अगर मैं कटा दूँ इसको, इसको अगर मैं कटा दूँ, लेकिन ध्यान देना है स्क्वायर तो ऊपर में है ही, स्क्वायर ये रहेगा, ठीक ना, तो 6 × 6 = 24, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 2 से गुना करेंगे दोस्तों 32 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, ये बात नहीं समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिखा है, देखिए दोस्तों ये मीटर स्क्वायर के रूप में है, देखिए ये क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वही मैंने लिखा है, ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। अगर यही दोस्तों यहाँ पर क्यों रहता, तो यहाँ पर जैसे दो
यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब वॉल्यूम के रूप में रहता, क्यूब के रूप में रहता, तो यहाँ पर 3 हम चढ़ा देते हैं, ठीक ना। लेकिन ये तो आपका क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर चढ़ेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, क्यों पूछेगा घन पूछेगा तो यहाँ पर 3 चढ़ जाएगा पावर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि दिए गए यानी निम्न पाई चार्ट को छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है, चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। ये देखिए तबला 29%, बिना 30%, वायलिन 16%, गिटार 25%। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो छात्र जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है जो छात्र गिटार बजाते हैं, जो छात्र गिटार बजाते हैं उसका वायलिन बजाने वालों से क्या अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये गिटार कितना है 25, वायलिन बजाने वाले का अनुपात कितना है 16, तो यही तो हो जाएगा आपका आंसर 25:16, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है कि यदि कुल 300 छात्र है, यदि कुल 300 छात्र है तब तबला बजाने वाले व बीड़ा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि टोटल जो है 300 छात्र है, टोटल 300 छात्र है और हम लोग के अनुसार छात्र 100 हो गया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि तबला बजाने वाले और बिना बजाने वाले में कितना का डिफरेंस है, तो दोस्तों 1 का, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी कि 31 नंबर इस ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए, सेक्टर का पूछा है कोण क्या होगा वायलिन से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना होगा, टोटल दिया है आपका, तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए, ठीक है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए, वायलिन से संबंधित, वायलिन से संबंधित संबंधित सेक्टर का कोण बताइए, सेक्टर का कोण बताएं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इसमें पूछा था पहलका में गिटार और 16 जो दिया था वायलिन का अनुपात पूछा था, और इसमें पूछा था कि टोटल, अगर टोटल 300 छात्र था, टोटल छात्र कितना था 300, ये क्वेश्चन था, टोटल 300 छात्र है तो टोटल का तुलना टोटल से और इसमें डिफरेंस पूछा था, तो 3 हो जाएगा। वायलिन से संबंधित ही दोस्तों हो जाएगा 360, टोटल सेक्टर का ये पूरा वैल्यू होता है 360, हम लोग के अनुसार 100, और पूछा है आपसे वायलिन, तो वायलिन कितना है दोस्तों 16, काट दिया जाए 10 से 10, 10 से 10, इधर हो जाएगा आपका 5 × 10, 8 × 16, ठीक है। तो 36 में 8 से गुना करा देंगे दोस्तों तो 288 हो जाएगा, है ना, 288, ठीक है। 288 में अगर हम 5 से भागा दे देते हैं, 288 में 5 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 57.6 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, कह रहा है क्वेश्चन यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको देखा जाए, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। दोस्तों यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो कितने पेज पढ़ने होंगे, मैंने मान लिया एक्स पेज पढ़ने होंगे, इधर काट देंगे 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 35, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन में 35 पेज पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, कितने समय में 8,750 रुपया का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा, 6/25 भाग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपसे टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, साधारण ब्याज जो दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का जो दिया है ना 8,750, उसका 6/25, ठीक है, तो काट देंगे दोस्तों, ये कट जाएगा 35 बार में, ठीक है, 25 में 35 से कटेंगे 8 से 75 और 1 शून्य था, और आपको पता है 35 है, 6/35 के सुना हासिल 3 × 36 = 18 × 3 = 21, 2100 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ये आपका SI हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रेट दिया है 8%, रेट कितना दिया है 8%, टाइम पूछा है,
तो टी बराबर होता है एस आई दिया है 2100, एस आई गुणे 100 बटे में पी हो जाएगा आपका 8750 और गुणे आर हो जाएगा कितना आपका 8, है ना। अब इसको कैलकुलेट करा जाए, 1 0 से 1 0 दो चौ का 8, ये हो जाएगा आपका 2500 का 100 और ये दोस्तों कट जाएगा 35 बार में, ये कट जाएगा 35 बार में, ठीक है, और ये कटेगा 35 6 का 210 6 बार में, नीचे बचेगा दोस्तों 2, ऊपर बचा 6, 2 3 2। अब इसको 6 में 2 से भागा दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है कि यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 तथा वाई बराबर 2x, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आइए हम इसको करते हैं इसका सोल्यूशन, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 था, अंडर रूट में था ये दोस्तों, ऐसे था, है ना। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अंडर रूट उधर जाएगा तो 625 हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, वाई का वैल्यू दिया है 2x, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर जो कहते हैं वाई का वैल्यू 2x, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर 625, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बराबर 625, ये कट जाएगा 125 बार में दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 125। फिर दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 125, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखिए, तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 35 कर, एक बस एक घंटा में 12 से 2/5 की दूरी तय करती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि तो यह इतना यानी 2 से 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है एक घंटा में जो डिस्टेंस कवर हो रही है 12 5 60 2 62/5 इतना कवर हो रही है दोस्तों, तो हमको इतना घंटा चलना है, इतना घंटा में कितना दूरी कवर होगी, तो 4 2 8 3 11/4। अब दोस्तों बताइए यहाँ पर टाइम 11/4 बनाना है, तो 11/4 बनाने के लिए इसमें 11/4 से गुना करेंगे, जब इसमें 11/4 से तो इसमें भी 11/4 से, ठीक, क्यों, क्योंकि इसका संबंध इससे था, तो जब इसमें इस 11/4 से तो इस वाला में भी 11/4 से। अब दोस्तों कैलकुलेट कर लिया जाए, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 62/ कितना हो जाएगा 20, तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 62/2 × 10, तो दोस्तों ये कट जाएगा 31 और 31 में 10 से भागा देंगे तो 3.1, तो 3.1 दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए जैसे मैंने 62 में 11 से गुना नहीं कराया है, तो 62 में 11 से गुना नहीं करेंगे तो फिर मेरा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 62 में 11 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2 6 2 8 682, है ना, 682। अब 682 में आपको 20 से क्या करना है, भागा देना है, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 10 अब ये काटिए 3 4 1 कट गया 2 से, अब 341 में 10 से भागा देंगे तो दोस्तों 34.1 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:5, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 3:4, कुछ नहीं करना है, ए अनुपात सी दिया है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ, तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे फर्स्ट वाला निकलेगा और लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो मेरा लास्ट वाला निकलेगा, तो ए अनुपात सी, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 5 5 20। दोस्तों इसको काट के छोटा भी कर लेंगे तो काट के छोटा करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 10, यानी कि हम कह सकते हैं ए अनुपात सी बराबर मेरा वैल्यू हो जाएगा 3:10। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 37 देखा जाए। 37 क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया था, प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया, तो सूचना के आधार पर ज्ञात करें कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। दोस्तों टोटल छात्र जो था 1200 था, टोटल कितना छात्र था 1200 था, और कार द्वारा पूछ रहा है कितना जो है विद्यालय आते हैं, तो आइए इसको देखा जाए। तो आइए देखा जाए, टोटल छात्र था 1200, ठीक है, 1200 छात्र उनके आगमन, और हम लोग के अनुसार टोटल आगमन का स्रोत साइकिल से 60 को, बस 120, कार 150 और टहल के 30, तो टोटल हो जाएगा कितना 360, तो टोटल का तुलना टोटल से, और दोस्तों कार से पूछा है आपसे, क्या पूछा है,
कार द्वारा, ठीक है। तो कार द्वारा जब पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए कार वाला कितना वैल्यू दिया है, 150। तो यहाँ पर हम कर देंगे 150। अब काट दिया जाए, एक शून्य से एक शून्य, और ये काटेंगे 12 तिया 36, 3 5 15। तो 100 में 5 से करेंगे दोस्तों, तो 500 छात्र जो है विद्यालय में आते हैं वो भी कार से आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखा जाए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए, कह रहा है यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा। दोस्तों आंसर दिया है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है, आंसर दिया है सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा, 12 मीटर में कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। तो दोस्तों टोटल हो गया 1200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर का हमको टुकड़ा करना है 25 25 बराबर भागों में काटा जाए। अगर इसको हम 25 बराबर भागों में काटेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 5 5 25, और ये हो जाएगा आपका 24 5 120, एक सुना और था, फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 48 बार में। तो ये हो जाएगा 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए, 39, यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों अगर मैं इसको हम डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा। तो आप कहिए ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों थोड़ा सा हम आपको समझा दें। दोस्तों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है एक होता है, पता ही है, और ये भी आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे, बराबर एक। अब दोस्तों आपका वैल्यू दिया था, आपको निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/2, और ये जो आपका गुना में था ये sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भागे में आ जाएगा, तो sec थीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो दोस्तों आप देख लीजिए ना, जब sec थीटा माइनस 1/, sec थीटा बराबर है, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है 1/ में sec थीटा प्लस tan थीटा के, तो उसी प्रकार sec थीटा प्लस tan थीटा भी बराबर हो जाएगा 1/ में sec थीटा माइनस tan थीटा के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। जब दिया रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ओनली 3। अगर दिया रहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा पूछेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, उल्टा होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5x और 8x का एलसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए इसको करा जाए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। पहली संख्या दिया है 5x, दूसरी संख्या 8x, और एलसीएम दिया है आपका 9, एलसीएफ दिया है आपका 360, ठीक है दोस्तों। 8 5 40, तो 8 5 40 40 नवा ये कट जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए, 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए प्लस बी बराबर माइनस 2 और ए माइनस बी बराबर 12, तो बी का मान ज्ञात करिए। तो बी का मान क्या ज्ञात करने से पूछ रहा है दोस्तों। ए प्लस बी बराबर माइनस 2 दिया है, और ए माइनस बी बराबर दिया है आपका कितना, 12, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, घटाने पर, यहाँ पर घटा दिया जाए, घटाने पर दोस्तों चिन्ह जो होता है, सिंबल क्या होता है, बदल जाता है। तो इधर हो जाएगा आपका कितना, 2b, और माइनस 2 और माइनस 12 कितना होगा, माइनस 14 होगा कि नहीं होगा, कट जाएगा 7 बार में, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -7। और क्वेश्चन में आपसे क्या यही तो पूछ रहा था, बताइए b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू -7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए, और इसको हम पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि
एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपये है तथा उसके बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना होगा? दोस्तों सबसे पहले आपको तो पता है कि 3850 रुपये में खरीदा, ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन लाभ कब निकलेगा? जब आपको क्रयमूल तो पता है, ठीक है, 3850 क्रयमूल पता है, लेकिन विक्रयमूल तो पता नहीं है। और जब क्रयमूल पता है, विक्रयमूल पता नहीं चलेगा, जितना खरीदा है और कितना में बेचा अगर ये पता नहीं चलेगा तो फिर आप लाभ कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले हम विक्रयमूल निकालेंगे, सेल प्राइस। तो आइए दोस्तों देखिए, सेल प्राइस यहाँ पर क्या करना होगा, 4750 जो दिया हुआ है ये आपका 4750 बटे में 12% की छूट पर दी जाती है, यानी कि 4750 जो दिया है आपका 4750 यहाँ पर हो जाएगा एमआरपी हम लोग के अनुसार 100, और अगर 12% छूट दी जाए तो कितना हो जाएगा 88। दोस्तों कैलकुलेट करा जाए, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 का, ये हो जाएगा 2500 का, और ये दोस्तों कटेगा 19 बार में, 190 बार में, और 22 में 19 से गुना करा दिया जाए दोस्तों तो 19 × 38 के 8 हासिल 3, 19 × 38 और 3 41, यानी दोस्तों 41 80, है ना, ये आपका सेल प्राइस हो गया। तो लाभ बराबर दोस्तों आपको पता ही है, लाभ पूछा था, लाभ और विक्रयमूल होता है घटाओ क्रयमूल, विक्रयमूल आपको यहाँ पर आ गया 41 80 माइनस कितना है 3850, तो 3850 दोस्तों यहाँ पर घटा दिया जाए तो वही तो आपका लाभ होगा, तो आंसर हो जाएगा 330। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य 17 17.5 है ना, तो आइए इसको कैलकुलेट करा जाए और आप ध्यान से देखें। करें 4 विभिन्न परीक्षण है, ठीक ना, कितना परीक्षण है दोस्तों, 4 परीक्षण है, और 4 परीक्षणों का जो माध्य है औसत 17.5 है, और एक जो है उसको जोड़ा जा रहा है जिसका वैल्यू दिया है 20। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए उसका नया माध्य क्या होगा। दोस्तों ये इसमें क्या करना होगा, इसमें मैंने लिया 17.5 मैंने लिया, इसको मैंने बुलाया आ रहा अधिक लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह कितना 2.5, ऐसे ऐसे कितने के लिए अधिक लेके आ रहा है भाई, एक के लिए, बटे में कितना हो जाएगा 5, तो दोस्तों 5 हो गया, दशमलव हटाएंगे ये सुना आ जाएगा, 25/2 50 का मतलब 25 एकम 1, 25 दूना 50, 17.5 1/2 का मतलब हो जाएगा आधा, यानी 0.5। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 17.5 में अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 18। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरे को बताएं आपको ये कैसा लगा वीडियो, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करके बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।